नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ साक्षी। आप देख रहे हैं सीएन भारत। आइए, वक्त हो चला है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का। धार में एसआई ने हाईकोर्ट में पेश की सर्वे रिपोर्ट। 22 जुलाई को होगी सुनवाई। 2000 पन्नों की सर्वे रिपोर्ट, 1700 से ज्यादा हिंदू देवी देवताओं के अवशेष। दमोह में बोरी में पैक मिले जानवरों के अंग। शमशान घाट में सफाई करने गए थे लोग। मामला सामने आते ही हिंदू संगठन आक्रोशित। पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठ रहे सवाल। पन्ना में किसान परिवार की 72 एकड़ जमीन पर किया कब्जा। कब्जा कर किसान परिवार को नहीं दिया मुआवजा। भूखा मरने को मजबूर किसान परिवार। जमीन न मिलने पर आत्मदाह की दी चेतावनी। अशोकनगर में यातायात प्रभारी के साथ युवकों ने दिखाई दबंगई। युवकों ने स्वयं को बताया एबीवीपी का पदाधिकारी। चार पहिया वाहन के कागज मांगने पर भड़के यातायात प्रभारी ने एसपी को कराया मामले से अवगत। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कौन सी है वह 4 बड़ी खबरें। सबसे पहली खबर है धार से, दूसरी है दमोह से, वहीं तीसरी खबर है पन्ना से, और चौथी और आखिरी खबर है अशोकनगर से। वहीं पहली खबर बताते चले धार से है, जहां एएसआई ने हाईकोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश की है। वहीं 22 जुलाई को इसकी सुनवाई होगी। 2000 पन्नों की सर्वे रिपोर्ट पेश की। वहीं 1700 से ज्यादा हिंदू देवी देवताओं के अवशेष मिले हैं। दूसरी खबर है दमोह से, जहां बोरी में पैक मिले जानवरों के अंग। शमशान घाट में सफाई करने गए थे लोग। मामला सामने आते ही हिंदू संगठन आक्रोशित हुआ। वहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठ रहे हैं सवाल। वहीं तीसरी खबर है पन्ना से, जहां किसान परिवार की 72 एकड़ जमीन पर कब्जा किया गया है। कब्जा कर किसान परिवार को मुआवजा नहीं दिया गया। भूखा मारने को मजबूर है किसान परिवार। वहीं जमीन न मिलने पर आत्मदाह की दी चेतावनी। वहीं चौथी और आखिरी खबर है अशोकनगर से, जहां यातायात प्रभारी के साथ युवकों ने दबंगई दिखाई। युवकों ने स्वयं को एबीवीपी का पदाधिकारी बताया है। चार पहिया वाहन के कागज मांगने पर भड़के थे। वहीं यातायात प्रभारी ने एसपी को मामले से अवगत कराया है। चार बजे की 4 बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वहीं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में सबसे पहली खबर है धार से, जहां मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक भोजशाला की सर्वे रिपोर्ट भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कोर्ट में पेश कर दी है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 2000 पन्नों की सर्वे रिपोर्ट इंदौर हाईकोर्ट में पेश की है। हाईकोर्ट में रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर रोक लगाई गई है। सभी पक्षों को बंद लिफाफे में रिपोर्ट दी जाएगी। वहीं बता दें कि बहुचर्चित धार भोजशाला में रिपोर्ट पर 22 जुलाई को सुनवाई होगी। 11 मार्च को इंदौर हाईकोर्ट ने एसआई को सर्वे के आदेश दिए थे। 22 मार्च को सर्वे शुरू हुआ था और 28 जून तक चला है। वहीं जानकारी के अनुसार सर्वे में 1700 से ज्यादा हिंदू देवी देवता और मंदिर होने के पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। सर्वे के दौरान सामने आए अवशेषों से यह लगभग तय माना जा रहा है कि यह सब परमारकालीन यानी 9वीं से 11वीं शताब्दी के बीच का निर्माण है। इसी बीच एक गर्भगृह के पास एक 27 फीट लंबी दीवार भी मिली है, जो पत्थर की जगह ईंटों की बनी है। पुरातत्वविदों का मानना है कि ईंटों से निर्माण और भी प्राचीन समय में होता था। वहीं मोहनजोदाड़ो सभ्यता के समय यानी यह स्थान और भी प्राचीन हो सकता है। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक भोजशाला की सर्वे रिपोर्ट भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कोर्ट में पेश कर दी है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 2000 पन्नों की सर्वे रिपोर्ट इंदौर हाईकोर्ट में पेश की है। हाईकोर्ट में रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर रोक लगाई गई है। सभी पक्षों को बंद लिफाफे में रिपोर्ट दी जाएगी। बता दें कि बहुचर्चित धार भोजशाला सर्वे रिपोर्ट पर 22 जुलाई को सुनवाई होगी। 11 मार्च को इंदौर हाईकोर्ट ने एसआई को सर्वे के आदेश दिए थे। वहीं 22 मार्च को सर्वे शुरू हुआ और 28 जून तक चला। जानकारी के अनुसार सर्वे में 1700 से ज्यादा हिंदू देवी देवताओं के पुरातात्विक अवशेष मिले हैं, जिस पर अधिक जानकारी के लिए उज्जैन से धार से हमारे संवाददाता प्रवीण उज्जैनकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, मेरा ये सवाल है, एएसआई ने हाईकोर्ट में रिपोर्ट जो पेश की है सर्वे की, इस पर क्या कुछ जानकारी है हमारे पास?
जिस अक्षर में बताना चाहूंगा कि आज एएसआई में जो है लगभग 2000 से अधिक पेजों की जो है विस्तृत रिपोर्ट जो है हाईकोर्ट में पेश की, और इस विस्तृत रिपोर्ट को जो है सार्वजनिक करने से रोक लगा दी गई है। साथ ही एएसआई ने जो है अपनी इस विस्तृत रिपोर्ट में जो है पिछले 98 दिन से जो एएसआई की टीम द्वारा जो है वैज्ञानिक पद्धति से जो भोजशाला परिसर भोजशाला के अंदर बाहर और उसके 50 मीटर के क्षेत्र के साथ साथ कमाल मौलाना दरगाह में जो सर्वे का कार्य किया गया, जीपीएस के तकनीकी से कार्य किया गया, जीपीआर तकनीकी से जो कार्य किए गए, उत्खनन जो कार्य किए गए, उन तमाम सबूतों को जुटा कर जो है लगभग 2000 से अधिक पेजों की जो है रिपोर्ट आज जो है एएसआई ने हाईकोर्ट में अपने पेश की है। जी, वही 22 जुलाई को उसकी सुनवाई होगी और 2000 पन्ने की सर्वे रिपोर्ट जो है वो पेश करेंगे। वही ये जो सर्वे की जो रिपोर्ट पेश की है और सुनवाई की जो बात कही जाए प्रवीण जी, तो ये तो सुनवाई लेट से लेट होती ही जा रही है, इस पर क्या कुछ कहना है दोनों पक्षों का, हिंदू संगठन का भी और मुस्लिम का भी? जी सच में बताऊंगा, चूंकि ये न्यायालयीन प्रक्रिया है और न्यायालयीन प्रक्रिया के द्वारा जो है लगभग 2000 से अधिक पेज की जो है एएसआई ने अपनी जो विस्तृत रिपोर्ट पेश की, इस विस्तृत रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद जो है न्यायालयीन प्रक्रिया है, चूंकि न्यायाधीश इस पूरे मामले को निष्पक्षता से जो है कार्य कर रही है और जो एएसआई ने भी अपनी निष्पक्षता से जो कार्य किया है, इस निष्पक्षता से कार्य करने के बाद दोनों पक्षों के तमाम दावे आपत्ति को ध्यान में रखते हुए इस पर सुनवाई की जाएगी, 22 जुलाई को सुनवाई की जाएगी। हालांकि आज जो है भोशाला मुक्ति आंदोलन से जुड़े हुए जो है गोपाल शर्मा और याचिकाकर्ता आशीष गोयल ने जो है मीडिया से एक सोशल मीडिया के जारी बयान में कहा गया जारी किया और कहा कि ये जो भोशाला ने जो सर्वे का कार्य किया है एएसआई ने जो और लगभग ये जो लगभग 98 दिन तक जो सर्वे का कार्य किया गया, सर्वे के कार्य में जो तमाम जो है सबूत जुटाए गए, तमाम जो है भोशाला में हिंदू सनातन संस्कृति से जुड़े जो है अवशेष प्राप्त हुए, सनातन धर्म और सनातन संस्कृति से जुड़े जो तथ्य प्राप्त हुए हैं, पूरा अवशेष प्राप्त हुए, 1700 से अधिक प्रतिमाएं और साक्ष्य जुटाए गए, उन सब साक्ष्यों के आधार पर जो है लगता है कि जो हिंदू समाज को जो है जीत होगी। और जो है आशीष गोयल ने जो अपने इस बयान में कहा है कि जो पिछले कई वर्षों से हिंदू समाज धार शहर के हिंदू समाज जिले के हिंदू समाज के साथ साथ आम लोगों ने जो है गौशाला के मुक्ति और उसकी गौरव की पुनर्स्थापना के लिए जो आंदोलन किए, बोध उत्सव समिति ने समय समय पर जो है सत्याग्रह किया है, राजा बोध वसंत उत्सव समिति द्वारा इस पूरे आंदोलन को लेकर वर्षों तक लड़ाई लड़ी है, साथ में आम लोगों ने आम जनता ने इस पूरे आंदोलन में जो सहभागिता की, उन सब का जो है परिणाम जो है इन सब का जो परिणाम जो रहेगा सार्थक परिणाम प्राप्त होगा और जो है खुशी की लहर प्राप्त होगी। आशीष गोयल का कहना था कि इस पूरे मामले को लेकर जब याचिकाकर्ता के रूप में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से विष्णु शंकर जैन, हरिशंकर जी जैन, रंजना अग्निहोत्री और तमाम 5 जो थे याचिकाकर्ताओं ने जो याचिका लगाई थी, उन याचिका के आधार पर जो है हाईकोर्ट ने जो है एएसआई को आदेश दिया था कि जिस तरह से काशी मथुरा और अयोध्या में आधुनिक तकनीकी से जो है सर्वे का कार्य किया, उसी तकनीकी आधार पर धार की भोजशाला में भी सर्वे का कार्य किया जावे और उसकी विस्तृत रिपोर्ट पेश की जाए। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में भी पूरा मामला होगा और सुप्रीम कोर्ट तक ये पूरा लंबित मामला होने के बाद उस पर सुनवाई होगी और अंतिम निर्णय जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो दिया जाएगा वो निर्णय सर्वमान्य रहेगा। लेकिन प्रवीण जी, एक बात तो यहाँ पे जाहिर है कि 1700 से ज्यादा जैसे हिंदू देवी देवताओं और मंदिरों के पुरातात्विक अवशेष मिले हैं, वहीं कोई सी दीवार भी बताया जा रहा है कि मिली है जो 9वीं से 11वीं शताब्दी के बीच जिसका निर्माण हुआ है, तो वहाँ हिंदू लोग जो है हिंदू संगठन की ओर से जो पक्षकार थे उनमें तो खुशी की लहर है, वहीं मुस्लिम पक्षकार का इस पर क्या कुछ कहना है? क्योंकि ये जाहिर बात है कि हिंदुओं की और जो है पलड़ा वो भारी नजर आ रहा है क्योंकि सारे मंदिरों के अवशेष मिले हैं। जी साक्षी, ये बात बिल्कुल सही बात है। हालांकि इस पूरे सर्वे को लेकर जो है मुस्लिम पक्ष की ओर से जो है कमाल मौलाना वेलफेयर सोसाइटी के जो अध्यक्ष थे अब्दुल समद, वो पूरे 98 दिन तक लगातार सर्वे टीम में शामिल थे, साथ में गोपाल शर्मा शामिल थे बोझ उस समिति की ओर से और साथ में आशीष गोयल शामिल थे, इन तीनों जो याचिकाकर्ता थे वो शामिल थे और उन तीनों याचिकाकर्ताओं के समक्ष एएसआई ने निष्पक्षता से कार्य किया और जो कार्य होने के बाद जो है लगभग 2000 से अधिक पेज की रिपोर्ट जो पेश की, जो साक्ष्य जुटाए गए, जो साक्ष्य कोर्ट में पेश किए गए, उन सब साक्ष्यों के आधार पर जो कहा जा सकता है कि ये हिंदू समाज की सनातन संस्कृति की भोजशाला थी, माँ सरस्वती का मंदिर था। इस संबंध में आशीष गोयल ने भी एक मीडिया में जो है सोशल मीडिया के जरिए बयान जारी कर कहा है कि ये पिछले हजारों वर्षों से जो संघर्ष चला आ रहा है उस संघर्ष का परिणाम है जो है कि अब जो है भोजशाला जो है हिंदुओं को सौंप दी जाएगी और भोजशाला पे हिंदुओं का आधिपत्य रहेगा। 7 दिन 36 घंटे
लगभग 24 घंटे सातों दिन और 365 दिन तक भोजशाला में हिंदुओं को पूजा अर्चना का अधिकार मिलेगा। साथ ही उन्होंने जो भोजशाला में नमाज को लेकर जो कहा था कि नमाज बंद होना चाहिए, वो सब इन सब तमाम मुद्दों को लेकर जो भोज उत्सव समिति के साथ साथ आम लोगों में भी खुशी की लहर है। साथ ही जो मुस्लिम पक्षकार थे उन्होंने शुरू से ही इस पूरे सर्वे की रिपोर्ट सर्वे को लेकर और सर्वे के रिपोर्ट को लेकर जो था अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि जिस तरीके सर्वे पूर्व में हो चुका है उस सर्वे की आवश्यकता नहीं। साथ ही जो है अब्दुल समद ने भोजशाला को एक मिस्ट्री कहा था, उनका कहना था कि भोजशाला एक मिस्ट्री है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, सर्वे करने की आवश्यकता नहीं, और कमाल जो है दरगाह है। और इस तरीके तमाम जो आरोप प्रत्यारोप लगाए थे उन आरोप प्रत्यारोप के आधार पे और उन सब दलीलों के आधार पे जो है भोज मुस्लिम पक्षकार थे और मुस्लिम समाज के लोगों ने अपने दावे आपत्ति लगाए थे। हालांकि इन सब दावे आपत्तियों के बीच में जो है लगभग 2000 पेजों की जो रिपोर्ट है, 1700 अवशेष से अधिक प्राप्त हुए हैं, सनातन संस्कृति के धर्म के हिंदू धर्मावलंबी की आस्था के जो देवी प्रतिमाएं प्राप्त हुई है, भगवान की प्रतिमाएं प्राप्त हुई, उन सब साक्ष्यों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि ये 1000 वर्ष पूर्व जो है परमार कालीन जो है माँ सरस्वती का मंदिर है राजा भोज द्वारा। लेकिन प्रवीण जी, ये आरोप प्रत्यारोप के बीच एक और सवाल वैसे खड़ा होता है कि जो सर्वे रिपोर्ट पेश की गई है भोजशाला की, 2000 पेज की जो रिपोर्ट पेश की गई है, उसे मुस्लिम समाज जन जो है और मुस्लिम पक्षकार है जो वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं हमें? जी, मैं बताना चाहूंगा साक्षी कि अभी जो है जो रिपोर्ट पेश की, इस संबंध में मुस्लिम समाज के पक्षकारों से संपर्क करने का प्रयास किया था किंतु उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। लेकिन ये जो है 22 तारीख को इसकी जो सुनवाई होगी, 22 तारीख के बाद जो न्यायालय जो आदेश देगा, उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद जो है पिछले बार जो है मुस्लिम समाज की ओर से वकार सादिक जो थे उन्होंने भी सर्वे रिपोर्ट को लेके और अपनी आपत्तियां दर्ज कराई थी उनका। हालांकि उन्होंने ये बात जरूर कही थी कि जो भी न्यायालय का जो आदेश रहेगा सर्वमान्य रहेगा। यही बात उन मौलाना वेलफेयर कमेटी सोसाइटी के जो है अब्दुल समद, उन्होंने भी कहा था कि अंतिम निर्णय जो न्यायालय जो देगा वो सर्वोपरि रहेगा और सर्वमान्य रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं उनका विरोध जरूर था इस पूरे प्रक्रिया को लेके। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी आपका। मैं आपको बता दें, खबर थी धार से, जहां मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक भोजशाला सर्वे की रिपोर्ट भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कोर्ट में पेश कर दी है। वहीं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 2015 की सर्वे रिपोर्ट इंदौर हाईकोर्ट में पेश की है। हाईकोर्ट में रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर रोक लगाई गई है। सभी पक्षों को बंद लिफाफे में रिपोर्ट दी जाएगी। वहीं बता दें कि बहुचर्चित धार भोजशाला सर्वे रिपोर्ट पर 22 जुलाई को सुनवाई होगी। 11 मार्च को इंदौर हाईकोर्ट ने एएसआई को सर्वे के आदेश दिए थे। वहीं दूसरी खबर है दमोह से, जहां दमोह में सुबह सुबह अजीबो गरीब हालात बन गए जब लोग जमा हुए और शमशान घाट में साफ सफाई करने के लिए शमशान घाट के पास मिल गए, तो वहीं गौवंश के अंग और हिंदवादी संगठन के लोगों में नाराजगी फैल गई। दरअसल दमोह में बीते कुछ हफ्तों से कलेक्टर की पहल पर साप्ताहिक स्वच्छता अभियान और पौधारोपण अभियान चल रहा है। वहीं शहर के सितावली शमशान घाट में ये अभियान चलना था, जिसमें शामिल होने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ शहर के समाज सेवी पहुंचे थे। इनमें हिंदुवादी संगठन के लोग भी शामिल थे। लोग उत्साह के साथ जा रहे थे, तभी लोगों को इस इलाके में पड़ी एक बोरी में से बदबू आने लगी और लोगों को जानवर के होने की आशंका हुई। बोरी को खुलवाया गया तो शक सही निकला, उसमें जानवरों के अवशेष और हड्डियां भरी हुई मिली। मतलब साफ हुआ कि किसी जानवर को काट कर उसके अंग डिस्पोज किए गए हैं। ये सब देखकर हिंदुवादी संगठन से जुड़े लोग भड़क गए और पुलिस को इसकी सूचना दी गई। दरअसल लंबे समय से दमोह में गौ तस्करी और गौ हत्या के लिए सुर्खियों में वे दमोह बहुत ही सुर्खियों में है। इलाके को गौ तस्करी का बड़ा अड्डा माना जाता है और इसे लेकर आए दिन हंगामा होता रहता है। हिंदू संगठन सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं। वहीं हालातों को देखकर पुलिस ने भी बीते महीने में बड़ी कार्यवाही की है, जिसमें गौ तस्करी से जुड़े लोगों के घरों और ठिकानों पर बुलडोजर एक्शन तक हुआ है। वहीं गौ हत्या विराम लग सके हैं। वहीं जिस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दमोह से गणेश अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गणेश, मैं ये पूछना चाहूंगी कि बोरी में पैक जानवर के अंग और अवशेष मिले हैं शमशान घाट में जब लोग सफाई करने गए थे, इस पर क्या कुछ जानकारी है? गणेश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क टूट चुका है।
वहीं आपको बता दें ये खबर थी दमोह से, जहां पर दमोह में शमशान घाट में साफ सफाई करने गए लोगों को एक बोरी में बंद से बदबू आने लगी। वहीं पर उनको आशंका हुई कि इसमें किसी के अवशेष है, जिसमें घटना में शामिल होने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ शहर के समाज सेवी पहुंचे थे। वहीं इनमें से हिंदुवादी संगठन के लोग भी शामिल थे। वहीं तीसरी खबर की ओर हम बढ़ते हैं। वहीं आपको बता दें तीसरी खबर है पन्ना से आ रही है, जो कि सरकार द्वारा एक तरफ तो किसानों की आय दोगुनी करने और किसानों के लिए विभिन्न प्रकार की योजना चलाने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर अन्नदाता किसान आत्महत्या करने को मजबूर है और उसके सुनने वाला भी कोई नहीं है। ताज़ा मामला पन्ना जिले के सिमारिया थाना अंतर्गत ग्राम कोनी में देखने को मिला है। कुछ दिन पूर्व ही गुन्नौर विधायक राजेश वर्मा के द्वारा विधानसभा में जेके सीमेंट कंपनी की मनमानी का मुद्दा उठाया गया था, जो सुर्खियों में बना रहा। अब पुनः जेके सीमेंट का एक और मामला सामने आया है। दरअसल कोनी निवासी किसान राम प्रकाश पटेल ने पन्ना में एक पत्रकार वार्ता में आरोप लगाया है कि उनके पैतृक 72 एकड़ कृषि भूमि पर जिला प्रशासन व राजस्व अधिकारियों के धारा 247 के तहत भू अधिग्रहण के लिए प्रकरण बनाकर नोटिस भेजा गया, जिस पर अधिक जानकारी के लिए पन्ना से हमारे संवाददाता अजीत कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, किसान परिवार की 72 एकड़ जमीन पर कब्जा किया गया है, क्या कुछ है ये पूरा मामला, विस्तार से बताइए। मैडम, जेके से पन्ना में, यहाँ पर पन्ना अमानगंज के पास पगरा में जेके सीमेंट का एक प्लांट लगा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पे इन्होंने ये पूरा जो एरिया है ये किसानों की जमीन खरीद के इन्होंने ये अपना प्लांट यहाँ पर लगाया। लेकिन जेके सीमेंट पहले भी विवादों में कई बार खबरों के माध्यम प्रकाशित के जेके सीमेंट के ट्रकों से यहाँ पर एक्सीडेंट हुए हैं और जेके सीमेंट के कर्मचारियों द्वारा भारी तरीके से ग्रामीणों के साथ मनमानी की जाती है, उनको परेशान किया जाता है। इसी तरीके से जेके सीमेंट का मुद्दा अभी वर्तमान भाजपा विधायक गुनौर विधायक राजेश वर्मा जी ने मुद्दा उठाया था। वहां पर जो मनमानी होती है जेके सीमेंट की, तो वहां से जो स्पीड से ट्रक निकलते हैं, इसके पहले भी ट्रकों से 2-3 बार घटनाएं होती कि दो तीन मौतें भी हो चुकी हैं जेके सीमेंट की लापरवाही के कारण उनके ट्रकों से स्पीड से। और आसपास के जो खेत हैं मैडम, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो किसान रहते हैं उनको कई तरीके से परेशान किया जाता है जेके सीमेंट के द्वारा। यहाँ के आसपास के जो क्षेत्र के लोग हैं वो परेशान हैं। वही ये मनमानी, अजीत मेरा ये सवाल रहेगा अगला कि ये मनमानी कब से चली आ रही है और किसानों ने इसके खिलाफ कैसे कुछ अपनी बात उठाई है, क्या अधिकारियों तक इनकी ये बात पहुंच पाई है, आगे क्या कार्यवाही की बात कही जा रही है। मैडम, इसके पहले भी यहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ था, 1 महीने यहाँ धरना हुआ था जेके सीमेंट फैक्ट्री को लेकर। यहाँ पर किसानों ने यहाँ धरना जेके सीमेंट की फैक्ट्री को लेकर धरना किया था, उनकी मनमानी को लेकर, और जो इनकी जमीनें खरीदी गई थी वो उससे भी संतुष्ट नहीं थे। इनको 11 लाख रुपए एकड़ की जमीन ये यहाँ खरीदी गई थी इनकी, लेकिन कुछ एरिया में जेके सीमेंट के कुछ कर्मचारियों के द्वारा दबंगी सामने देखने को मिल रही है, और इसमें प्रशासन से कई बार शिकायतें हो चुकी हैं, इसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। वही किसानों का आगे क्या कुछ कहना है, क्योंकि अन्नदाता किसान जो है वो आत्महत्या करने को मजबूर है, भूखा मरने को मजबूर है, वो तो कार्यवाही क्या होनी चाहिए आगे, और क्या कुछ अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है इस मामले को लेकर। मैडम, जैसा कि पटेल साहब ने बताया 72 एकड़ का मामला है उनका, और इस तरीके से उनकी जमीन पर वहाँ पर जमीन को अधिग्रहण कर लिया, कब्जा कर लिया गया है उनकी जमीन पर। उन्होंने इसकी शिकायत वहाँ पे जेके सीमेंट के कर्मचारियों से भी की, और उसकी उन्होंने शिकायत उच्च अधिकारियों से प्रशासन से भी यहाँ पर की, लेकिन कोई उनकी सुनवाई नहीं कर रहा। जनप्रतिनिधि से भी और मिल चुके हैं। अब उनके पास उनका कहना ये है कि अगर हमें न्याय नहीं मिला और हमें जमीन हमारी वापस नहीं मिली तो हम आत्मदाह करेंगे। जी,
बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी जी इस खबर पर बने रहने के लिए। वहीं आपको बता दें, एक खबर थी पन्ना से, जहां सरकार द्वारा एक तरफ तो किसान की आय दोगुनी करने और किसानों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर अन्नदाता किसान आत्महत्या करने को मजबूर है और उसके सुनने वाला भी कोई नहीं है। ताजा मामला पन्ना जिले के सिमरिया थाना अंतर्गत ग्राम कोनी में देखने को मिला। कुछ दिन पूर्व ही गन्नौर विधायक राजेश वर्मा के द्वारा विधानसभा में जेके सीमेंट कंपनी की मनमानी का मुद्दा उठाया गया था, जो सुर्खियों में बना रहा। अपना जेके सीमेंट का एक और बड़ा मामला सामने आया है। चौथी और आखिरी खबर आपको बता दें, अशोकनगर से है, जहां अशोकनगर में ट्रैफिक प्रभारी स्नेहा ठाकुर रूटीन वाहन चेकिंग कर रही थी। वहीं वाहन चेकिंग के दौरान उन्होंने एक चार पहिया वाहन रोकी, जिसकी जांच की। इसी बीच एबीवीपी के कुछ कार्यकर्ता आ गए और बहस करने लगे। वहीं इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर अधिक जानकारी के लिए अशोकनगर से हमारे संवाददाता आशीष मालवीय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, यातायात प्रभारी के साथ युवकों ने दबंगई दिखाई है, क्या कुछ है ये पूरा मामला, जानकारी साझा कीजिए। देखिए साक्षी, आपको बताऊं, ये कल शाम का मामला है जी। यातायात प्रभारी अपनी रूटीन चेकिंग के दौरान तमाम वाहनों के कागजात और दूसरी चीजें चेक कर रही थी। इस दौरान उन्होंने एक चार पहिए वाहन रोका और जब उसकी जांच उन्होंने शुरू की और उसके कागजात वगैरह मांगे, तो कुछ लड़के जो है थे वो यातायात प्रभारी स्नेहा ठाकुर के साथ दबंगई करने लगे। उनको पता नहीं था कि ये लोग कौन है। उन्होंने सीधे कागज मांगे गाड़ी के, तो सीधे उनसे कहने लगे कि हम एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं, या एक लड़का बोले लगा कि मैं एबीवीपी का संगठन मंत्री हूँ और आप एबीवीपी के संगठन मंत्री की ताकत नहीं जानते, और दूसरी तमाम बातें उन्होंने की। तो इस पूरा मामले का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं। इस संबंध में हमने अशोकनगर पुलिस अधीक्षक और स्थिति कोतवाली के जो टीआई हैं मनीष शर्मा, उनसे भी बात की, तो उन्होंने भी इस मामले के बारे में बताया। चूंकि जो टीआई थे वो मौके पर पहुंच गए थे और उन्होंने बोला कि हम लॉ एंड ऑर्डर बनाने गए थे, आगे की जो पुलिस कार्रवाई उसके लिए उन्होंने कहा है कि अगर यातायात प्रभारी स्नेहा ठाकुर है वो लिखित में कोई आवेदन या शिकायत या आवेदन देती है, तो फिर हम इस पे जांच करके आगे की कार्रवाई करेंगे। लेकिन आशीष जी, इस पर एक सवाल खड़ा होता है कि चाहे वो एबीवीपी का कार्यकर्ता हो चाहे कोई भी हो, कानून सबके लिए एक है, और जब यातायात प्रभारी द्वारा जांच की जा रही थी तो उनके द्वारा दबंगई की गई और महिला यातायात प्रभारी थी, तो ये सही तो बिल्कुल भी नहीं है। इस पर प्रशासन की तुरंत कार्यवाही हुई है या नहीं, और नहीं हुई है तो इसकी वजह क्या है? कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। आपका कहना बिल्कुल सही है कि एक तो खाकी की बात है और साथ में महिला अधिकारी, उनके साथ इस तरह का कृत्य होना अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। चूंकि मौके पर टीआई भी पहुंच गए थे, उन्होंने खुद पूरे मामले को देखा और मामले से जुड़े कई सारे वीडियो जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरह की दबंगई जो है वो वहां पर की जा रही है। बाद में यातायात प्रभारी स्नेहा ठाकुर ने इस मामले में बयान दिया है, इसके बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन इस मामले में टीआई का कहना है कि यातायात प्रभारी स्नेहा ठाकुर, उनके द्वारा कुछ शिकायती आवेदन अभी तक नहीं दिया गया है। अगर वो शिकायती आवेदन देती है तो जांच करने के बाद फिर उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन आशीष, एक और सवाल खड़ा होगा इससे कि अगर अभी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि अगर कोई शिकायत नहीं आई है इसका मतलब ये है कि कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन अगर कार्रवाई अभी नहीं हुई तो इस तरह की दबंगई तो सामने आती रहेगी और इनके और हौसले बुलंद होते रहेंगे, तो इसकी रोकथाम के लिए तो पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होते हैं कि फिर इसकी रोकथाम कैसे की जाएगी। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है कि अगर ऐसे कोई भी कृत्य होते हैं, चाहे सामने वाला कोई भी हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर ऐसे मामलों में पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं। क्योंकि सत्ताधारी दल से जुड़े हुए संगठन है और इस तरह की दबंगई कर रहे हैं, तो भविष्य में और भी बड़े अधिकारियों के साथ या दूसरे अन्य खाकीधारियों के साथ इस तरह के कृत्य होंगे तो जो स्थिति है वो और भी बेकार होती चली जाएगी। तो ऐसे में पुलिस को तो यही चाहिए कि वो तत्काल कार्रवाई करें, और अगर यातायात प्रभारी इस मामले में आवेदन नहीं भी दे रही है तो उनके ऊपर भी कहीं से कोई दबाव है क्या, ये भी अपने आप में जांच का विषय है। वैसे तो जो पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको खुद आगे आकर इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में या आने वाले कुछ घंटों में क्या कुछ कार्रवाई इस मामले में।
वहीं आशीष जी, जो ट्रैफिक प्रभारी स्नेहा ठाकुर है जिनके साथ ये पूरी घटना हुई है, वही उनका क्या कुछ कहना है, कुछ प्रतिक्रिया उनकी तरफ से सामने आई है या ये माना हम मान सकते हैं या माना जा रहा है कि उनकी तरफ उनके ऊपर कोई दबाव है कि वो शिकायत नहीं कर रही है अभी तक? देखिए, जो उनका तात्कालिक बयान आया था तो उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मैं सिर्फ अपना रूटीन चेकिंग कर रही थी और जब मैंने कागज मांगे उनसे तो उन्होंने बोला कि हमारे पास पूरे कागज हैं और वो कागज दिखाने को बोला गया तो फिर उन्होंने दबंगई स्टार्ट कर दी और धीरे धीरे वहां पर लोगों की भीड़ भी इकट्ठी हो गई। ऐसे वहां पर कुछ भी वारदात घटित हो सकती थी, सहम नहीं थी, क्योंकि महिला अधिकारी है और उनके भी अपने कुछ दायरे होते हैं। उनका कहना है कि बिल्कुल उनके साथ गलत हुआ है और उनको नहीं पता होता है कि गाड़ी में कौन है क्या है। उनके लिए सभी लोग लॉ एंड ऑर्डर की बात करें या व्यवस्थाओं की बात करें तो सभी लोग उनके लिए बराबर होते हैं, तो उन्होंने रूटीन चेकिंग के दौरान गाड़ी के कागज मांगे थे। लेकिन इसके बाद ये कुछ जो कुछ भी घटना घटित हुई ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि मैं इस मामले में पूरा मंथन कर रही हूँ और हो सकता है कि शाम तक वो आवेदन मिले। अभी कुछ ही देर पहले उनसे बात हुई थी तो उन्होंने बोला था कि इस मामले में चर्चा करने के बाद फिर मैं आगे की कार्रवाई के लिए प्रेरित होगी और पूरे मामले को लेकर वो और वरिष्ठ अधिकारियों से भी सलाह मशवरा कर रही है। वहीं आशीष जी, इससे एक और बड़ी बात सामने आती है, भले ही ट्रैफिक प्रभारी हो या चाहे कोई भी हो, वो पुलिस प्रशासन से जुड़ी हुई है, अगर वो इस प्रकार की घटना पर सवाल खड़े नहीं करती है, शिकायत नहीं करती है, तो आम लोगों को फिर कैसे वो कर पाएंगे, प्रोत्साहित करने की बात आती है। ऐसे में ट्रैफिक प्रभारी को अभी तक शिकायत कर देनी चाहिए थी, एक सवाल खड़ा होता है। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है कि उनको शिकायत करनी चाहिए और इस मामले में जो भी कानून की धाराओं के तहत कार्रवाई हो सकती है वो सभी करानी चाहिए, क्योंकि भविष्य में फिर ऐसे लोगों के हौसले बुलंद होते हैं। और अगर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ऐसा पूरा मामला घटित होने के बाद जबकि पूरे साक्ष्य मौजूद है और हम जानते हैं कि साक्ष्यों के आधार पर ही पुलिस की कार्रवाई होती है और इसके बावजूद अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो इसमें यह भी माना जा सकता है कि पुलिस भी किसी न किसी के दबाव में रहकर यहाँ पर जो काम कर रही है। तो ऐसे में जो आम जन है उनके सामने भी ये गलत संदेश जाता है कि पुलिस अगर किसी के दबाव में काम कर रही है तो फिर लोगों का कानून से भी विश्वास उठता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी आपका। मैं ये खबर थी अशोकनगर से, जहां अशोकनगर में ट्रैफिक प्रभारी स्नेहा ठाकुर रूटीन वाहन चेकिंग कर रही थी, वहीं वाहन चेकिंग के दौरान उन्होंने एक चार पहिया वाहन को रोककर उसकी जांच की। इसी बीच एबीवीपी के कुछ कार्यकर्ता आ गए और बहस करने लगे। वहीं इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं वीडियो में जहां स्वयं को एबीवीपी का पदाधिकारी बताकर एक युवक यातायात प्रभारी के सामने दबंगई दिखा रहा है, वहीं मामले की जानकारी लगने पर सिटी कोतवाली टीआई भी मौके पर पहुंचे। वहीं यातायात प्रभारी स्नेहा ठाकुर का कहना है कि जांच के दौरान चार पहिया वाहन की जांच के साथ कागजात मांगे तो कुछ युवक दबंगई दिखाने लगे। वहीं युवकों ने स्वयं को एबीवीपी का पदाधिकारी बताया है। वहीं इस पूरे मामले में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया है। हमारे सभी संवाददाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही। वहीं खबरों के लिए बने रहिए एशियन भारत के साथ।